आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हमारे पास दो स्ट्रिंग है, एसए और एसबी, जिनसे दो ब्लॉक को अटैच किया है। एसए से ए ब्लॉक अटैच है और एसबी से बी ब्लॉक। ए ब्लॉक पे हमने एक साउंड का सोर्स रखा है जो कि 300 हर्ट्ज की साउंड एमिट कर रहा है, ठीक है। और बी ब्लॉक के ऊपर एक डिटेक्टर फिक्स किया है, ठीक है, जो साउंड को डिटेक्ट कर रहा है, ठीक है। हमने क्या किया, इन दोनों ब्लॉक्स को एक दूसरे की तरफ एक ही टाइम पे एक एक मीटर डिस्प्लेस किया, ठीक है, और फिर ना वहीं से छोड़ दिया। तो ये एक मेन पोजीशन के बाद वाइब्रेट करने लगे दोनों, ठीक है। और हमसे पूछा है कि मैक्सिमम और मिनिमम फ्रिक्वेंसी क्या होंगी जो डी डिटेक्ट करेगा एस के लिए, ठीक है। और इनकी जो फ्रिक्वेंसी है वाइब्रेशन की वो दी 2 हर्ट्ज, यानी कि इनकी जो वाइब्रेशन की फ्रिक्वेंसी एफ है वो 2 हर्ट्ज है। तो ओमेगा क्या होगा इनका, 2πf, ठीक है, जिसकी वैल्यू आएगी 12.56, ठीक है। तो इसका हमें ओमेगा पता है। हमसे पूछा है कि मैक्सिमम मिनिमम फ्रिक्वेंसी, तो कोई भी मान लो ये हमारा ऑब्जर्वर है जिसमें डिटेक्टर और उसमें ये सोर्स है, इसकी मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी तब होगी जो हमारा ये डिटेक्टर, ये सोर्स, ये मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी तब रिसीव करेगा जब ये दोनों एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रहे होंगे अपनी मैक्स स्पीड से, ठीक है। और मिनिमम कब करेगा, जब ये एक दूसरे से अवे जा रहे होंगे अपनी मैक्स स्पीड से, ठीक है। तो पहले तो हम इन दोनों की मैक्स स्पीड निकालते हैं। तो किसी भी ब्लॉक की स्प्रिंग से जो अटैच होता है उसकी मैक्स स्पीड होती है ए ओमेगा, ठीक है, ये उसकी मैक्स स्पीड आती है। ये हमारा दे रखा है 1 मीटर, ओमेगा की वैल्यू हमें पता है। तो हमारी जो मैक्स स्पीड आ गई वी एम, वो आ गई 12.56 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। और दोनों की सेम है क्योंकि साइमल्टेनियसली छोड़ रहे हैं, सेम ही मिनिमम होगी, सेम ही मैक्सिमम होगी, ठीक है ना। तो पहले केस में मान लो मैक्स मैक्स निकालते हैं, मैक्स फ्रिक्वेंसी को डिटेक्ट क्या करेगा, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या है, एफ इज इक्वल टू, हम मानेंगे कि दोनों एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रहे हैं अपनी मैक्स फ्रिक्वेंसी से। तो वो क्या होगा फॉर्मूला, वी प्लस वी डी अपॉन वी माइनस वी एस इंटू जो एक्चुअल फ्रिक्वेंसी है एफ, ठीक है, इसे हम एफ वन मानते हैं। तो वी डी और वी एस इक्वल है, 12.56 वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये साउंड की स्पीड दी है 340, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 340 प्लस 12.56 अपॉन 340 माइनस 12.56, ठीक है, इंटू एफ की वैल्यू क्या थी, 300, ठीक है। तो जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 323 हर्ट्ज, ठीक है। ये होगी हमारी मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी जो हमारा डिटेक्टर डी रिसीव करेगा, ठीक है। अब हम मिनिमम निकालते हैं। तो मिनिमम मान लो एफ टू मानेंगे। इस केस में क्या है कि दोनों एक दूसरे से अभी मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो वी डी और वी एस दोनों के साइन चेंज होंगे और फार्मूला क्या बनेगा, वी माइनस वी डी अपॉन वी प्लस वी एस, ठीक है, इंटू एफ। तो ये होगा 340 माइनस 12.56 अपॉन 340 प्लस 12.56 इंटू 300। उसकी वैल्यू क्या आती है हम देखते हैं, 278.6 हर्ट्ज, ठीक है। तो ये हमारी होगी मिनिमम फ्रिक्वेंसी, ये होगी हमारी मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी जो हमारा डी रिसीव करेगा एस से, ठीक है। तो ये हमारे फाइनल आंसर। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।